आज हम आपके सामने करंट अफेयर्स लेके उपस्थित हुए हैं 22 और 23 तारीख। कल हमने आपको 21 और 22 तारीख का करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन किया और उससे रिलेटेड जितना भी जानकारी था वो आपको देने के लिए कोशिश की गई और क्वेश्चन को लिंकअप करने की कोशिश किया गया स्ट्रेटेजी के साथ में। तो आज हम फिर आपके सामने 23 तारीख का करंट अफेयर्स लेके हाजिर हुए हैं जिसमें की 22 तारीख और 23 तारीख का दोनों का कॉम्बिनेशन है और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अच्छे दोस्तों को इसको फॉरवर्ड कीजिए। तो आज का जो करंट अफेयर्स का कलेक्शन था उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज आज जो आया है, फर्स्ट द उड़ीसा कैबिनेट अप्रूव द खुशी स्कीम। द उड़ीसा कैबिनेट अप्रूव द खुशी स्कीम टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी नैपकिन टू स्कूल गर्ल्स अक्रॉस द स्टेट। उड़ीसा कैबिनेट ने अपने यहाँ एक स्कीम को लॉन्च किया है, स्कीम का नाम है खुशी स्कीम, जिससे कि उड़ीसा गवर्नमेंट में जितने भी स्कूल है उड़ीसा स्टेट में वहां पे स्कूल गर्ल्स को सैनिटरी नैपकिन फ्री में दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर एंड उड़ीसा के अभी जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक एंड उड़ीसा के जो गवर्नर है गणेशी लाल इज द गवर्नर ऑफ द उड़ीसा, कैपिटल ऑफ द उड़ीसा इज भुवनेश्वर एंड एट प्रेजेंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द उड़ीसा इज नवीन पटनायक। और उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट का नाम है विजय पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट का नाम विजय पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आज 4-5 क्वेश्चन का इससे लिंकअप हुआ कि सबसे पहले तो उड़ीसा में कैपिटल कहाँ है, उसके सीएम कौन है और उड़ीसा में नंदनकानन नेशनल पार्क में जो कि बहुत फेमस नेशनल पार्क है भुवनेश्वर सिटी में सिचुएटेड है। और उड़ीसा में और एक फेमस सिटी है कटक जो कि महानदी रिवर के ऊपर में है और पुरी में कोणार्क सन टेम्पल है उड़ीसा में और वहीं से पुरी में कोणार्क सन टेम्पल है, सन टेम्पल को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो उड़ीसा कैबिनेट अप्रूव द खुशी स्कीम टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी नैपकिन टू स्कूल गर्ल्स अक्रॉस स्टेट। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट करंट न्यूज है आजकल वो बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात proposed merger with Dena Bank headquarter Mumbai and Vijaya Bank headquarter Bangalore। अभी तक इस तीनों बैंक का अपना अपना इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर है, बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात, देना बैंक मुंबई एंड विजया बैंक बेंगलोर। बेंगलोर इज ऑन द बैंक ऑफ द विश्व भारती रिवर, बेंगलोर सिटी विश्व भारती रिवर के ऊपर में है एंड बेंगलोर सिटी में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट का नाम है टेम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलोर सिटी इज ऑन द बैंक ऑफ द विश्व भारती रिवर एंड बेंगलोर इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ द कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलोर है। तो बेंगलोर सिटी में दो नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है, एक कैनरा बैंक और विजया बैंक, जिसमें से विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात। ये जो इफेक्ट होगा, ये जो इम्प्लीमेंट होगा वो इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2019 से। तो इस तीनों बैंक मिला के अब हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना और विजय स्टेट जाएंगे। 1 अप्रैल 2019 से देना बैंक जिसका भी हेडक्वार्टर मुंबई था एंड विजया बैंक जिसका भी हेडक्वार्टर बेंगलोर था, इस दोनों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। और तीसरे नंबर पे चलते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ। मध्य प्रदेश के सीएम अभी वर्तमान में कमलनाथ है, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। तो मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ, मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में वहां की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उस युवाओं को जो अर्बन यूथ है उनको 100 दिन का काम मिलेगा या 4,000 रुपए महीने मिलेगा और 100 दिन में ओवरऑल उसको 13,500 रुपीज मिलेगा। तो इसमें तीन तरह की बात है, फर्स्ट मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में सीएम कौन है तो कमलनाथ ने एक स्कीम लॉन्च किया है क्योंकि अर्बन यूथ पे ही इम्प्लीमेंट होगा ये स्कीम, उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, जिसके अंतर्गत अर्बन यूथ को 100 दिन का काम मिलेगा और उसको 4,000 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा और टोटल 100 दिन मिला के उसको टोटल 13,500 रुपीज मिलेंगे। तो अभी रिसेंटली ये स्कीम मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बैडमिंटन के प्लेयर पीवी सिंधु, वेरी फेमस प्लेयर, बहुत फेमस प्लेयर है, हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन, पहली ऐसी भारतीय महिला है टू फ्लाई इन मेड इन इंडिया एलसीए राइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
तेजस जो कि पूरी तरह से भारत में निर्मित है, ये पूरी तरह से भारत में निर्मित है। इस एयरक्राफ्ट में बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने फ्लाई किया है एंड सी इज द प्रेजेंट फर्स्ट वुमन जो कि ये भारत में बना हुआ पहला एलसीए एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी है। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, दिव्या कर्नाड बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी ऑनर्ड विद द फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड। दिव्या कर्नाड फर्स्ट इंडियन वुमेन है, इससे पहले आज तक एक ही मैन को मिला हुआ है और सेकेंड दिव्या कर्नाड। तो फर्स्ट मैन थे सिद्धार्थ दत्ता मिश्रा जो कि पहला मिला और सीधा फर्स्ट वुमेन, तो अभी तक कोई आदमी को अवार्ड मिला है फ्यूचर फॉर द नेचर अवार्ड। तो दिव्या कर्नाड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी ऑनर्ड विथ द फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड। तो आज हमने आपको करंट अफेयर्स में इसमें जो जो आज का 22 और 23 का इम्पोर्टेंट कलेक्शन था उसको कलेक्शन करके डिस्क्राइब करने का कोशिश किया और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज थे उस इम्पोर्टेंट न्यूज को हमने आपके सामने रखा और उसके साथ इसके रिलेटेड जितने भी एस्थेटिक चीजें बनते थे उसको लिंकअप करने का कोशिश किया गया। तो ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा उम्मीद करते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और लाइक कीजिए ताकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो से फायदा मिले। तो हम फिर कल हाजिर होंगे 23 और 24 तारीख का करंट अफेयर्स लेकर। आज हमने आपको 22 और 23 तारीख का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे उन सबके बारे में डिस्कशन किया।